तो है गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फोन जो कि आपको मार्केट में 7 से 8 हज़ार तक देखने को मिल जाएंगे। गाइस मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट फोन सेलेक्ट किए हैं आपके के लिए, यानी सबसे बेस्ट फोन चूज़ किए हैं मैंने 7 से 8 हज़ार रुपये तक, ताकि आपको धोखा नहीं हो। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए भी वीडियो बनाया है। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, पास वाला बेल आइकन दबा देना। तो चलिए गाइस मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ बिना बकवास किए, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो गाइस हमारी लिस्ट का फर्स्ट फोन है पोको C11, जो कि आपको मार्केट में 7 से 7.5 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। यानी ऑनलाइन आपको आप इसको 7.5 हज़ार के बीच में परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा और बेस्ट फोन लगा, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। वह अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको लगा देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हेलियो G35, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, यानी आपका फोन काफ़ी स्मूथ चलने वाला है। वही हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और कैमरा क्वालिटी की, तो बैक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो 13+2+2। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, यानी आप इससे काफ़ी अच्छे फोटो क्लिक कर पाओगे और काफ़ी अच्छे सेल्फी ले पाओगे। वही हम बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो बैटरी इसमें 5000 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिलती है, और आपको इनबॉक्स में 10 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी 10 वोल्ट का चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वही हम बात करते हैं इसके पैनल की बात करें, तो पैनल इसमें 6.5 इंच का फुल IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मल जो भी पांडा ग्लासेस है वो इसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी आपका फोन गिरेगा तो भी एक बार तो बच ही जाएगा। तो गाइस बेस्ट फोन लगा मेरे को 7.5 से 7 के बीच में, तो इसलिए मैंने इस फोन को सेलेक्ट किया है। तो चले गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट के अगली लिस्ट, यानी अगले फोन के बारे में जल्दी से। तो गाइस हमारी लिस्ट का सेकंड फोन है Redmi 8A, जो कि आपको मार्केट में 7 से 7.5 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहाँ से भी परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फोन है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो चलिए गाइस इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो गाइस इसमें आपको फुल HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 6.22 इंच का है, जो काफ़ी अच्छा और बड़ा डिस्प्ले है। वही हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको लगा देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 443, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और काफ़ी स्मूथ चलने वाला है आपका फोन। वही हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और कैमरा क्वालिटी की, तो बैक में आपको सिंगल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। वही हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो बैटरी इसमें 5000 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो गाइस काफ़ी अच्छा है, वही आपको फेस अनलॉक बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस काफ़ी अच्छा है, अगर आपका बजट 7 से 7.5 हज़ार के बीच में और आप कोई रेडमी का फ़ोन परचेस करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन आप ही के लिए। चलिए गाइस हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में जल्दी से। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में। तो गाइस ये है रियलमी का C11, जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे 7 से 7.5 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फोन है, इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे सेलेक्ट किया है। अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको लगा देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हेलियो G35, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और कैमरा क्वालिटी की, तो बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 10 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर हम बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, तो बैक में आपको डुअल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो 13+2 मेगापिक्सल का है। अभी हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, ताकि इससे आप काफ़ी अच्छे फोटो क्लिक कर पाए। अगर हम बात करते हैं इसका पैनल की, तो पैनल इसमें 6.5 इंच का IPS पैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा पैनल है। अगर आप कोई रियलमी का फोन परचेस करने वाले हैं और आपका बजट 7 से 7.5 हज़ार है, तो ये फोन आप ही के लिए, मेरे को बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फोन के बारे में जल्दी से। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के अगले फोन के बारे में। तो गाइस ये सबसे लो प्राइस का फोन है, जो कि रेडमी का 9 है। ये गाइस आपको 6.5 हज़ार तक मार्केट में देखने को मिल जाएगा, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो गजब की स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको लगा देखने को मिलेगा मीडियाटेक का हेलियो G25, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर वही हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और कैमरा क्वालिटी की, तो बैटरी इसमें 5000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, वही आपको 10 वोल्ट का चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, तो बैक में आपको सिंगल कैमरा, यानी 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर मतलब पैनल की, तो पैनल इसमें काफ़ी बड़ा पैनल देखने को मिलने वाला है, यानी 6.5 इंच का पैनल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा और बेस्ट लगा इस प्राइस में, क्योंकि ये सबसे लो प्राइस में आता है। 6.5 से 7 हज़ार के बीच में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के आखिरी फोन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस हमारी लिस्ट का आखिरी फोन है रेडमी की तरफ से आने वाला Redmi 7। तो गाइस ये आपको मार्केट में 7 से 7.5 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा फोन है, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको पैनल लगा देखने को मिलेगा 6.26 इंच का IPS डिस्प्ले, जो कि काफ़ी बड़ा और अच्छा डिस्प्ले है। अगर हम बात करते हैं इसका प्रोसेसर की, तो इसमें आपको लगा देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 632, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और कैमरा क्वालिटी की, तो बैटरी इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो 10 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर हम बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की, बैक में आपको डुअल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो 13+2 मेगापिक्सल का है, सॉरी 12+2 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, तो कि काफ़ी अच्छा और बेस्ट फोन लगा इस प्राइस में। तो चलिए गाइस इस वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं।
अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं आपको कमेंट करके बताना, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मैं नए नए आई हूँ इस YT में, लेकिन मैं वीडियो YT में नई नई बना रहा हूँ, बाकी एक्सपीरियंस तो मेरे को बहुत साल से है। अगर मुझसे हो जाती तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इसको सुधारने की कोशिश कर दूँगा। तो भाई चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर, फैमिली के साथ इंजॉय करो, जय हिंद।